हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो में पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगी या अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसे हमारे ये जनाब इंडिया से कनाडा आए। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, जो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए, इसलिए मैंने इस वीडियो को स्टेप्स में बांट दिया है और मैंने सारा कुछ लिख लिया है ताकि मैं अपना कोई कुछ भी भूलूँ ना, कुछ भी मिस ना करूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारा पग है, ये 12 साल का है एंड रिसेंटली ये इंडिया से कनाडा ट्रैवल किया है। तो आज की वीडियो में मैं वही पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ये अगर भाई साहब आपको थोड़े स्लीपी स्लीपी लगे तो ये अभी सो रहे हैं, अभी कराड़े चल रहे हैं जनाब के, थोड़े स्लीपी हैं। बट एनीवेज, तो जी जो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी फ़्लाइट से आया है। ये आया है एयर कनाडा से। और हमने एयर कनाडा क्यों चूज़ करी, क्योंकि हमें डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए थी जिसमें ये इजीली ट्रैवल कर सके, तो इसीलिए हमने एयर कनाडा सिलेक्ट करी। और मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो एयर कनाडा का ही है और ये इन कैबिन आया है, तो हम पूरी वीडियो में इन कैबिन की ही बात करेंगे। ये कार्गो में नहीं आया तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप वन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो जी रिक्वायरमेंट्स में पांच पॉइंट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है रिक्वायरमेंट वो ये है कि जो आपका पग आपका जो पेट है या आपका डॉग है वो इतने साइज़ का होना चाहिए कि वो कैरियर में, और जब मैं कैरियर बोलूँ तो उसका मतलब है या तो उनकी केज या बैग। तो दो तरह के कैरियर होते हैं, एक होता है हार्ड साइडेड जिसको हम केज बोल देते हैं, एक होता है सॉफ्ट साइडेड जिसको बैग बोलते हैं। ये सॉफ्ट साइडेड ये बैग में आया है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा हो। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो भी पेट है या आपका डॉग है उस कैरियर में आराम से बैठ सके, उठ सके और मूव हो सके, तब आपका पेट कैबिन में आ सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वेट की। तो जी वेट है वो बोलते हैं एयर कनाडा की वेबसाइट में ही लिखा है अराउंड 20 पाउंड्स, कुछ हो गया 10 किलो। बट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस इसका टॉरो का वेट थोड़ा 10 किलो से ज़्यादा था। तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आपके अगर डॉग का वेट 10 kg से ज़्यादा होगा तो वैसे लेंगे, नहीं, ऐसा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। जो स्ट्रिक्ट है वो है मेजरमेंट्स। और जब मैं बात कर रही हूँ मेजरमेंट्स की, तो वो जो मेजरमेंट्स है वो ये थी कि जो उसका बैग था उसकी हाइट होनी चाहिए थी 10.5 इंचेस, जो विड्थ होनी चाहिए थी वो 15.5 इंचेस और जो लेंथ होनी चाहिए थी वो 21.5 इंचेस। अगेन एयर कनाडा की वेबसाइट में ये सेंटीमीटर्स में भी दी हुई है, इंचेस में भी दी हुई है। तो जो मैंने आपको अभी मेजरमेंट्स बताई ये बैग की मेजरमेंट्स थी, यानी सॉफ्ट साइडेड कैरियर की मेजरमेंट्स थी। जो हार्ड साइडेड वाला है उसकी मेजरमेंट्स आप एयर कनाडा की वेबसाइट में देख लो। ओके, तो अभी हमने वेट की बात कर ली, वेट होना चाहिए अराउंड 20 पाउंड्स यानी 10 किलो, मेजरमेंट्स की बात कर ली। तीसरी रिक्वायरमेंट है जो आपका पेट होना चाहिए वो एटलीस्ट 12 वीक्स से बड़ा होना चाहिए, 12 वीक्स ओल्ड होना चाहिए और फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और चौथी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका डॉग माइक्रोचिप्ड होना चाहिए आपके पेट में, तो वो बहुत इजीली है, कोई भी वेट कर देगा। तो हमने हमें सेंस पता था कि हमने इसको ट्रैवल करवाना है, तो हमने इसको माइक्रोचिप पहले ही काफ़ी देर पहले डलवा ली थी। और एक जो पांचवी रिक्वायरमेंट है, नॉट मोर ऑफ रिक्वायरमेंट, इट्स की लाइक कि अगर आपका पेट उसमें आता है कैबिन में वो सारा टाइम उस कैरियर में ही रहेगा, आइदर केज में आइदर बैग में, फुल सारा टाइम उसी में रहेगा, आप उसको एक सेकेंड के लिए भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये थी जी स्टेप वन जिसमें मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स की बात करी। अगर आपका पेट ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करता है तो आपका पेट बहुत ईजिली ट्रैवल कर सकता है इन कैबिन। दूसरा स्टेप की बात करते हैं हाउ टू बुक टिकट फॉर योर पेट। तो आपके पेट की टिकट बुक करने के लिए आप अपनी टिकट्स बुक करवाएं। जैसे मैं हमारे केस में मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने आना था तो हमने पहले उनके टिकट्स बुक करवाई। उनके टिकट्स जब एक बार बुक हो गई तो हम रिस्पेक्टिव एयरलाइंस यानी एयर कनाडा को हमने कॉल किया और हमने अपने पेट की टिकट बुक करवाई। तो जब आप एयर कनाडा में या किसी भी एयरलाइंस पर कॉल करते हो तो वो आपसे पूछेंगे कि कौन सी ब्रीड है, उनका वेट कितना है और मेजरमेंट कितनी है। ये दो हमसे चीज़ें पूछी और इसकी टिकट बुक करवा हो गई। अब बात करते हैं कॉस्ट की। ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि जी कितने की टिकट हुई। तो जो इसकी टिकट हुई वो हुई है हमारी $100 की, कैनेडियन डॉलर्स की। तो वो जी कुछ आप लगा सकते हैं 5,000 से 5,500 रुपये के बीच में इसकी टिकट बुक हुई। ठीक है, तो जब हमें पता लग गया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, अब ये भी पता लग गया कि टिकट कैसे बुक होगी, अब आता है थर्ड स्टेप, मेन स्टेप।
जी इस स्टेप के लिए हमें बहुत टाइम लगा और हमें बहुत रिसर्च भी करनी पड़ी। तो फाइनली बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमें एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट मिले। उन कंसल्टेंट की पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगी। तो जो वो कंसल्टेंट थी उनका नाम था मिस वीजल, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। हमने उन्हें कॉल किया, हमने उनको ऐसे बताया कि हमने अपने ऐसे डॉग को ट्रैवल करवाना है, तो उन्होंने सारा एक पूछा। उसके बाद उन्होंने हमें ये बोला कि आप अपने डॉग को एक बार गुड़गांव ले आए, क्योंकि ये जो कंसल्टेंसी है गुड़गांव में है। उन्होंने बोला आप अपने डॉग को गुड़गांव ले आओ, तो हम अपने डॉग को गुड़गांव ले गए। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये थी कि जब जिस दिन की टिकट्स बुक हुए उससे एक दिन पहले ही सारा इसका चेक करवा के वहीं से बोर्ड कर ले, लेकिन हम थोड़े से डरे हुए थे सिंस हमारा फर्स्ट टाइम था, हमें पता भी नहीं था, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एक दिन की बजाय हफ्ता पहले ही जाके सारा करवा लेंगे, और वो जो वैलिडेशन होती है वो 10 दिन पहले तक वैलिड होता है। तो मेरे पेरेंट्स इन लॉ इसको गुड़गांव लेके गए। तो जब इसको गुड़गांव लेके गए तो वो साथ में लेके गए इसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट और पूरा इसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, ठीक है, ये दो चीज़ें लेके गए। तो जब वहाँ पे गए तो डॉक्टर्स ने इसका पूरा फिज़िकल चेकअप किया, इसकी वॉक इसको चला के दिखाया, सब कुछ करके दिखाया, और सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने इसको एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट दे दिया। उस बेसिस पे इसका मेडिकल रिकॉर्ड चेक करके, इसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड चेक करके इसको एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मिल गया। तो उसका मतलब ये था कि नाउ टॉरो कैन ट्रैवल। तो बेसिकली वो ये चीज़ हो गई कि इसके पासपोर्ट पे वीज़ा लगने वाली बात हो गई, बट हाँ वही एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट इसको इशू हो गया। तो अब जी अब हम इसका सारा प्रोसेस यहाँ तक ओके हो गया। अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद क्या प्रोसीजर था। तो स्टेप तीन, अब जो नेक्स्ट स्टेप था कि सब कुछ हमारा हो गया, अब मेरे पेरेंट्स इन लॉ एयरपोर्ट पे पहुंच गए। तो जब एयरपोर्ट में जैसे उनकी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसका सिक्योरिटी चेक इन हुआ, हर जगह जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बारी आई तो इसके दो डॉक्यूमेंट्स लगे, एक तो इसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड और दूसरा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। हर जगह जहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन होती थी ये दो डॉक्यूमेंट्स ही दिखाए इसके। और ये भाई साहब जहाँ पे भी जाते थे हर कहीं बोलते माय गॉड ही सो क्यूट, माय गॉड ही सो क्यूट। बट हाँ, पूरे प्रोसेस में कहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, बस इसके दो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने सारा चेक किया एंड उसके बाद क्लियरेंस मिल गई, ठीक है। अब थी बोर्डिंग की बारी। तो जब बोर्ड करना है तो आपका जो पेट है वो हमेशा ऑल टाइम, द मोमेंट आपने एयरपोर्ट पे एंटर किया अंटिल आप जब तक लैंड नहीं किया, आपका पेट हमेशा अपने कैरियर में ही रहेगा। अगेन ये तो ये बैग में था, ओके थैंक्स टॉरो। तो ये बैग में था। तो जी अब तक हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम कुछ डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से नहीं आई थी, प्रॉब्लम ये आई थी कि सिंस हम लुधियाना से हैं तो लुधियाना से दिल्ली आते आते 8-9 घंटे हुए, एयरपोर्ट में 3-4 घंटे हो गए। तो ये बेचारा कभी बैग में रहा ही नहीं, मतलब ये 12 साल नवाबों की तरह ही रहा है, ये कभी भी किसी केज में या बैग में नहीं रहा। तो इसको ये पैनिक कर गया कि मेरे को क्यों रखा हुआ बैग में। तो ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया। वहाँ पे मम्मा पापा को लगा कि शायद ये नहीं आ पाएगा, बट फिर मम्मा पापा ने किसी तरह से इसको मैनेज किया, गोदी में उठाया, इसको ऐसे थापियाँ दे के बच्चे की तरह शांत करवाया। तो बस यही एक दिक्कत आई थी। उसके बाद बोर्ड किया, और जब आप अपने पेट को लेके आते हैं तो अपने पेट को आप अपनी आगे वाली सीट के नीचे रखते हैं। तो अगर पापा यहाँ पे बैठे थे तो आगे वाली सीट के नीचे बैग के अंदर ये जनाब थे। तो सेंस बैग की साइड पे जाली लगी हुई थी, तो ये जाली से पापा को देखता रहा, तो इसको भी तसल्ली हो गई कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स यहीं पर है। और जैसे ही प्लेन चलना शुरू हुआ तो ये वाइब्रेशन से, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था ट्रैवल करके, ये पूरे 15 घंटे सोया रहा। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि हाँ ये पूरी फ्लाइट में सोया रहा, ना ये खुद तंग हुआ, ना इसने किसी को तंग किया, इसने किसी पैसेंजर को बहुत बहुत तक नहीं करी। तो वो बहुत कंफर्टेबली ये यहाँ पे लैंड कर गए। लैंड होने के बाद जो लास्ट स्टेप था वो ये था कि कस्टम्स के थ्रू जाना था, कस्टम्स में डिक्लेयर करना था कि आपके साथ एक लाइव स्टॉक है। तो वहाँ पे कस्टम पे डिक्लेयर किया, और उसके बाद $40 की फ़ीस जमा करवानी होती है कैनेडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी पे। तो वो उसके बाद जो एक लेटर होती है उस पर स्टैंप लगा देते हैं कि गुड टू गो। बस उसके बाद ये जो जनाब आ गए यहाँ पे, और उसके बाद तो आपको पता ही है। तो ये पूरा प्रोसेस था। मैंने एक जगह मिस कर दिया कि मैं ये बताना भूल गई कि कंसल्टेंट की फ़ीस कितनी थी।
ओके सॉरी टोरो कंसल्टेंट की फ़ीस कितनी थी? तो जी वो फ़ीस मैं बोलूँगी वो अगेन आप जब उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको अच्छे डिटेल में बता देंगे, बट हमारा एक्सपीरियंस है आई थिंक सो 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में, 15,000 to 20,000 रुपीज़, यहाँ पे मैं कैनेडियन डॉलर की बात नहीं कर रही, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रही हूँ, तो इतने कुछ चार्जेस लगे थे। तो ओवरऑल अगर मैं पूरे खर्चे की बात करूँ इंडियन रुपीज़ में बोलूँगी तो कुछ 20,000 से 25,000 रुपए लगे टोरो को इंडिया से कनाडा आने के लिए। तो ये तो थी जी पूरी जर्नी। अब हम बताते हैं कि हमें किस किस चीज़ की टेंशन थी और हमें कितनी मुश्किल आई। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है क्योंकि जब हमने इसको लेके आना था हमें कहीं से भी कुछ सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो जो तीन मेन डाउट्स थे हमारे, सबसे पहला डाउट हमें ये था कि ये ट्रैवल कर भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसकी एज फैक्टर के अकॉर्डिंगली कौन सी एयरलाइंस ट्रैवल करवाती है, बहुत सारे सवाल। और जो एक चीज़ हमें बहुत कंफ्यूज कर रही थी वो था ट्रैवल एजेंट्स। ट्रैवल एजेंट्स को हर ट्रैवल एजेंट कुछ और ही इन्फॉर्मेशन देता था और उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी, बट एंड में हमने यही रियलाइज़ किया कि कई बार ट्रैवल एजेंट्स को भी पूरी इन्फॉर्मेशन ना पता होने के कारण कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहा था। बट एनीवेज तो ये पूरा एक्सपीरियंस तो मैं बोलूँगी हम बहुत लकी रह गए कि हमें वो कंसल्टेंट्स मिल गए। उन्होंने बहुत ही, उनकी बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन था, उन्होंने हमें सब कुछ बहुत क्लियर बोल दिया। उन्होंने बोला डोंट यू वरी, हमने और भी पग्स भिजवाए हैं, तो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। हालांकि हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे क्योंकि हमने कभी नहीं किया था, बट मैं बोलूँगी कि वी वर वेरी हैप्पी फ्रॉम देयर सर्विसेज, इसलिए मैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर डाल दूँगी। उसके आने के बाद और जो मेन डाउट था हमारा कि ये यहाँ पर कैसे सेटल हो पाएगा, क्योंकि इंडिया और कनाडा के वेदर में बहुत सारे डिफरेंस है, बट जी जनाब को कोई फ़र्क नहीं है, ये इक्वली इन्जॉय करता है। मैं बोलूँगी इनफैक्ट ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इन्जॉय करता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आते जाते, इंडिया में बहुत सारे लोग आते जाते थे तो ये बहुत बिजी रहता था, उछलता कूदता रहता था, बट यहाँ पे इसको थोड़ी शांत रिलैक्स लाइफ है तो ये सारे दिन अब सोता रहता है। तो ये था जी मेरा पूरा एक्सपीरियंस। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कभी कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया। यस तो आई थिंक सो मैंने प्री मच आई कवर्ड एवरीथिंग। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बट हाँ ये था जी पूरी मेरा एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस कि इसको लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। अगेन ये एक्सपीरियंस करने के बाद हमें लगा यार ये इतना सिंपल प्रोसेस था, हमने इतनी देर क्यों वेट करी। बट आई होप इस वीडियो के अगर आप अपना कोई भी पेट लेके आना चाहते हो आपको हेल्प करे कि इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, इट्स वेरी ईजी। बस ये इंश्योर करना आप अपने पेट का आपको पूरे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड हो सब कुछ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट हाँ ये था पूरा एक्सपीरियंस टोरो का यहाँ पर आने का। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई कुछ भी चीज़ जो मैंने कवर नहीं कही, मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया, बट अगेन अगर आपका कुछ भी सवाल है तो फील फ्री टू कॉमेंट एंड येस आई विल ट्राई टू आंसर। एंड अगले हफ्ते मैं आपको अपनी लाइफ की जो एक बड़ी अपडेट के बारे में बात करी थी वो लेके आऊँगी। सिर्फ एक हफ्ता और है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बट हाँ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। लग गया डोर, यस।